लाखों दर्शकों का भरोसेमंद न्यूज चैनल R9 भारत। खबर कोडरमा के सतगावा प्रखंड से, जहां नासरगंज चौक पर JSLPS के द्वारा आजीविका दीदी कैफे का वीडियो सह अंचलाधिकारी बैजनाथ उराव ने फीता काटकर एवं नारियल फोड़कर उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी बैजनाथ उराव ने कहा कि सबसे पहले दीदी लोगों को बधाई देना चाहेंगे जिन्होंने आजीविका दीदी कैफे के नाम का बीड़ा उठाया है। निश्चित रूप से इसका परिणाम बहुत ही अच्छा आएगा। हम चाहेंगे कि जितने भी लोग हैं वह स्वावलंबी बने और आजीविका क्षेत्र में आगे कार्य करें। आप भी देखिए हमारे संवाददाता की यह विशेष रिपोर्ट। प्रखंड के नासरगंज चौक पर आजीविका दीदी कैफे उद्घाटन किया गया है। तो इस जगह पर हमारे सतगांव प्रखंड विकास पदाधिकारी आए उसे बातचीत करते हैं। सर, आज कैफे उद्घाटन किया गया है। आजीविका दीदी कैफे का उद्घाटन हुआ है। सबसे पहले तो हम बधाई देना चाहेंगे हमारे दीदी लोगों को जिन्होंने ये काम करने का बीड़ा उठाया है और निश्चित रूप से उसका परिणाम बहुत अच्छा आएगा। हम चाहेंगे कि जितने भी यहाँ पे ग्रुप हैं सारे लोग स्वावलंबी बने, आजीविका वर्धन हो और इनका इनकम का स्रोत बढ़े, खुद और अपने परिवार का भरण बढ़िया से कर सके और एक मजबूत संगठन का निर्माण हो, समाज में इसका व्यापक प्रभाव पड़े, यही हमारी कामना से होता है। धन्यवाद सर। नाम बताइए। इस जगह पे JSLPS के BPM दीपक जी हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं। सर, आज जो आजीविका दीदी कैफे का उद्घाटन किया गया है, आज हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि सतगांव प्रखंड में आजीविका दीदी कैफे का शुभारम्भ किया गया है, क्योंकि स्वराज मतलब अपना दीदी है जो कि सामाजिक रूप से सशक्त हो रही थी, अब वो आर्थिक रूप से काफ़ी सशक्त हो रही है। आज कैफे के द्वारा स्वराज की दिशा में और एक कदम और ये हम लोगों का निरंतर प्रयास रहेगा कि अभी मतलब प्रत्येक पंचायत स्तर पर जो कि एक दीदी कैफे का उद्घाटन किया जाए और दीदी लोग हैं जो कि स्वराज से जुड़े और अपना बिजनेस आगे बढ़ाएँ और अच्छी दीदी कैफे के एमएलओ से उनसे बातचीत कर रहे हैं।